どうぞ。<music> आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान दामोदर चैतन्य प्रभु जी प्रभु जी ने बड़ौदा मेडिकल कॉलेज से अपना एम का मेडिकल शिक्षण पूर्ण किया तत्पश्चात स्टर्लिंग हॉस्पिटल में दो वर्षों तक वे कार्यरत रहे सन 2000 में इस कौन से जुड़ने के पश्चात सन 2004 में उन्होंने स्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की प्रभु जी सन 2008 से पूर्ण रूप से कृष्ण भावना मृत का प्रचार प्रसार करने में लग गए जिसमें युवाओं के मध्य प्रचार करने के अतिरिक्त वे भक्ति में अग्रसर होने के हेतु इच्छुक भक्तों को आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं तो आइए श्रवण करें श्रीमान दामोदर चैतन्य प्रभु जी के श्रीमुख से धन्यवाद हरे कृष्णा वसुदेव कृष्णम वंदे आनंद गुरु भगवान कृष्ण है कंस का वध कर देते हैं चाणुर मुष्टिक इत्यादि जो मल्ल थे उनका भी वध कर देते हैं उससे पहले भगवान ने कोलिया पेड़ का वध किया और व्रज में जब भगवान कृष्ण थे तो कंस के द्वारा भेजे गए बड़े बड़े असुरों का भी भगवान ने वध किया जैसे पुतना है तृणावत है अगासुर बकासुर केशी अरिष्टासुर तो ये सब लीलाओं के बारे में देवी की और वसुदेव ने सुन रखा था और यहाँ पर मथुरा में जो घटनाएँ हुई कूल या पीड़ का वध बाद में चाणुर और मुष्टिक का वध और उसके बाद है कंस और उनके भाइयों का वध तो ये सब के वो प्रत्यक्ष साक्षी थे और इसलिए देव और वसुदेव के क्रिश्न क्रिश्न और वसुदेवी के पास जब कृष्ण पहुँचे कृष्ण और बलराम उनको कैद से मुक्त करते हैं और कृष्ण और बलराम उनको प्रणाम करते हैं और अपना सिर है उनके चरणों में झुकाते हैं स्पर्श करते हैं और कहते हैं हे तात हे अम्ब तो इस प्रकार से संबोधन करते हैं उस समय भी कृष्ण और बलराम के ऐश्वर्य के कारण उनके प्रति ये भाव कि ये भगवान ही है ऐसा भाव होने के कारण वसुदेव और देव की उस समय हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं वो माता पिता की भांति उनके साथ व्यवहार नहीं कर पाते हैं जो वात्सल्य दिखाना चाहे वो प्रकट नहीं हो रहा था तो भगवान ने जब देखा कि उनके माता पिता अभी भी उनकी उन लीलाओं का स्मरण करके कि जिसमें उन्होंने बड़े बड़े असुरों को मारा था तो ये अहोभाव जो उनके हृदय में है इसके कारण वो उनके प्रति जो एक माता पिता का प्रेम होना चाहे स्नेह बच्चों के प्रति होना चाहे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके मन में तो ऐसे ही लग रहा है तो कृष्ण और बलराम है वो तो भगवान है हम कैसे उनको अपनी गोद में उठा कर ले तो इस प्रकार का भाव था तो भगवान कृष्ण है अपनी योग माया का विस्तार करते हैं और भगवान की एक विशेष माया शक्ति है कि जो भक्तों के ऊपर काम करती हैं योग माया और महामाया दो प्रकार की माया होती है संसार में जब लोग मोहित होते हैं तो वो महामाया का प्रभाव होता है और भगवान का भक्त जब मोहित होता है तो योग माया का प्रभाव होता है और उस माया शक्ति के कारण देवी की और वसुदेव है तुरंत उनको विस्मरण हो जाता है कृष्ण के उन सब ऐश्वर्यों का और जब कृष्ण और बलराम इस प्रकार से अपने माता पिता के पास पहुँचे और प्रणाम करने लगे तो तुरंत उनके हृदय में वो वात्सल्य प्रकट हो गया और वो अपने बच्चों को गोद में उठा लेते हैं और निरंतर उनके आँखों से प्रवाह होने लगा क्योंकि 11 साल के बाद कृष्ण और बलराम को मिल रहे थे जन्म होने के बाद कृष्ण तुरंत ब्रज में चले गए थे वसुदेव जी उनको लेकर गए थे और आज है वो यहाँ पर आए हैं तो इस प्रकार से देवकी और वसुदेव को जन्म के बाद फिर वापस कृष्ण के दर्शन हो रहे थे बलराम जी के दर्शन हो रहे थे तो उनमें वो प्रेम उबड़ने लगा और वो अपना वात्सल्य है प्रकट किए और कृष्ण और बलराम है वो फिर कहते हैं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कारण आपको काफ़ी सारी चिंताएँ और दुखों का सामना करना पड़ा क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी के आठवें पुत्र के कारण है कंस का वध होगा तो इसी के कारण है कंस ने आप दोनों को कैद खाने में बंद कर दिया और हमेशा आपको भय बना रहता था जब भी पुत्र उत्पन्न होता था तो उस पुत्र को कंस मार देता था तो इस प्रकार से आप कई सालों तक हैं भय से पूरा युक्त जीवन जिए हैं तो अभी आप भय मुक्त हो गए हैं कंस मारा गया है और हमारा भी ये दुर्भाग्य है कि हम आपके लाड़ प्यार को नहीं पा सके माता पिता को बच्चों का जो कुमार अवस्था है पुंगड़ अवस्था है किशोर अवस्था इन सब अवस्थाओं में जो बच्चों से वो उनकी क्रियाओं से जो स्नेह प्राप्त होना चाहे तो वो नहीं आपको मिला जैसे अगर देखा जाए तो जन्म से लेकर पाँच साल की अवस्था को कौमार अवस्था कहते हैं और फिर पाँच साल से दस साल की अवस्था को पोंगड़ अवस्था कहते हैं और दस साल से पंद्रह साल की अवस्था को कैशोर अवस्था कहते हैं उसके बाद युवा अवस्था आती है और भगवान कृष्ण हैं वो क्षत्रिय थे और उनके मतलब शरीर में अगर जो परिवर्तन देखा जाए समय के अनुसार तो तीन साल और चार मास के जब हुए तब तक उनकी कुमार अवस्था पूरी हो गई थी और फिर छः साल और तब तक वो वहाँ पर गोकुल में रहे महामन में रहे उसके बाद है वो वृंदावन में आ गए और छः साल और आठ मास तो उस अवस्था में पोंगड़ अवस्था उन्होंने पूरी कर ली और फिर वहाँ से लेकर दस साल और सात मास तो तब तक है वो नंदग्राम में रहे और फिर चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन दस साल और सात मास के जब हुए तब वो मथुरा गमन किए तब उनकी किशोर अवस्था जो है वो पूरी हो गई थी और बाद में कृष्ण उसी अवस्था में हमेशा रहते हैं तो इस प्रकार से जो भी भगवान की तीनों अवस्थाओं में जो लीलाएँ हुई उनके देवी की और वसुदेव साक्षी नहीं बन पाए थे तो इसलिए वो क्षमा याचना करते हैं कि माता पिता से कि हमें और आप दो हम दोनों को कंस का भय था इसीलिए हमारा मिलन नहीं हो पाया और कंस है हमें मारने के लिए विभिन्न प्रकार के असुरों को भेजता था और इसीलिए व्रजवासी भी त्रस्त रहते थे और इसलिए कभी वो मथुरा नहीं आ पाए तो इस प्रकार से माता पिता से क्षमा याचना की और माता पिता ने उनको गोद में उठा लिया और वो निरंतर है प्रवाह करने लगे उनका कंठ है रुद्ध हो गया तो इस प्रकार से भक्ति के सब लक्षण है देव की और वसुदेव में प्रकट हुए और फिर है भगवान है उस समय है उग्रसेन राजा को कहते हैं कि अब आप ही हमारे राजा हैं क्योंकि कंस ने हैं जबरदस्ती है उग्रसेन से राज्य हड़प लिया था तो अब वापस आप है राज्य का भार संभाले उग्रसेन राजा तब कहते कि भगवान आप ही हमारे प्रभु हैं क्यों आप राजा ना बने तब भगवान को याद दिलाते हैं कि याति महाराज ने यदु को शाप दिया था कि वो कभी भी राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे तो हम आपके सेवक के रूप में बने रहेंगे और मैं आपका जब सेवक रहूँगा तो दुनिया भर के राजा देवता तक सब लोग है आपका आदर करेंगे इसलिए आप निर्भय होकर है राज्य का भार संभालें और उग्रसेन है उनको राज्य का भार संभालने के लिए स्थापित किया जाता है वो राजा बनते हैं और नंद बाबा और व्रज से और ग्वाल बाल आए थे उनको जब भगवान मिलते हैं और फिर कहते हैं कि अभी आप है वापस व्रज में लौट जाइए वहाँ पर है सब लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे कृष्ण और बलराम हम आपके ही पुत्र हैं आपने हमें पुत्र की भांति ही पाला और जो पालक है वही पिता होता है तो आपने कोई भी कसर नहीं रखी हमारा पालन करने में और यहाँ का कार्य जो है कुछ वो पूरा करने के बाद हम निश्चिंत रूप से हम व्रज में आएंगे तो कृष्ण और बलराम हैं वो नंद बाबा को ये वचन देते हैं कि वो वापस लौटेंगे और इसीलिए वो नंदग्राम जो है वो वापस लौटे क्योंकि अन्य जो व्रजवासी है वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और फिर वसुदेव जी कृष्ण बल्लाम इत्यादि नंद बाबा के लिए और व्रजवासियों के लिए कई प्रकार की भेंट उनको अर्पण करते हैं और फिर नंद बाबा है वो व्रज में वापस लौट जाते हैं अब यदु के कई मतलब अलग अलग जाति समुदाय थे जैसे यदु थे फिर दाशाह थे अंधक थे कुकुर थे और वृष्णि थे तो ये सब जाति पक्ष जो अलग अलग देश में चले गए थे कंस के भय से तो उग्रसेन राजा ने सबको वापस बुलाया मथुरा में और अब सब भगवान के संरक्षण में हैं निश्चिंत होकर अपना जीवन जी रहे थे बल्कि मथुरा के यहाँ पर ऐश्वर्य का ऐसा वर्णन है कि भगवान के प्रतिदिन दर्शन के कारण वहाँ कोई व्यक्ति वृद्ध भी हो जाता था उसके शरीर में भी युवा जैसी ही शक्ति बनी रहती थी तो भगवान की उपस्थिति में मथुरा का ऐश्वर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था कोई भी कमी वहाँ पर नहीं थी कोई भय नहीं था कई सालों से लोग यहाँ पर भय युक्त जीवन जिये थे अब वो सब निर्भय बन गए थे तो इस प्रकार से भगवान हैं मथुरा में निवास करने लगते हैं अब वसुदेव जी और देव की याद करते हैं कि कृष्ण के जन्म समय पर उन्होंने दस हज़ार गायों का दान दिया था मन में ही संकल्प किया था उस समय वो दे तो नहीं पाए तो उन्होंने एक बड़ा समारोह का आयोजन किया जिसमें कृष्ण और बलराम को गर्ग मुनि के द्वारा उपनयन संस्कार किया गया क्योंकि ये संस्कार पूर्व में नहीं हो पाया था हालांकि आनंद बाबा के वहाँ भी उनका नामकरण संस्कारित हुआ था पर जब बालक है बड़ा हो जाए फिर गुरुकुल में जाना है तो उस समय उनका उस उप उपनयन संस्कार होता है उनको ब्राह्मण दीक्षा मिलती है और बाद में वो वेदों का अध्ययन करता है तो गर्ग मुनि ने इस विधि को संपन्न किया और वसुदेव जी वो दस हज़ार गायों को सजा कर है ब्राह्मण को दान करते हैं अब भगवान यहाँ पर हमें शिक्षा प्रदान करते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को उद्देश्य को जानने के लिए उच्च शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास जाना चाहे गुरुकुल में जाकर है वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करना चाहे तो इसलिए लौकिक शिक्षाओं के लिए भगवान स्वयं एक कार्य करके सिखाते हैं और सादीपनी मुनि जो अवंती में जिनका आश्रम था वहाँ पर जाकर कृष्ण और बलराम पढ़ाई करने लगे जैसे कि बादल होता है समुद्र से ही पानी लेता है और वर्षा के रूप में वापस समुद्र पर पानी बरसाता है तो उसी प्रकार से सांदीपनि मुनि को भी भगवान से ही विद्या प्राप्त हुई है और उसी विद्या को वो भगवान को प्रदान कर रहे हैं तो जब सांदी मुनि को कृष्ण और बलराम जैसे उत्कृष्ट जब विद्यार्थी मिले तो बहुत प्रसन्न हुए और पूरे मन से इन दोनों को पढ़ाने लगे और आश्चर्य की बात है कि भगवान सिर्फ चौंसठ दिनों में चौंसठ प्रकार के जो विज्ञान है कलाएँ हैं उन सब का पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया संसार में कोई भी एक व्यक्ति के लिए एक कला जो है उसको भी पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं है क्योंकि संगीत एक कला हो गई अब संगीत में अनेक प्रकार का वाद्य यंत्र है अनेक प्रकार से गीत गाए जाते हैं मतलब वो इतना बड़ा विज्ञान है कि उसकी एक जो कला है उसमें से एक भाग भी कोई व्यक्ति अपने जीवन भर अभ्यास करे तो भी नहीं पूरा होता है पर भगवान ने सभी प्रकार की विद्याएं, सभी प्रकार की कलाएं हैं वो ग्रहण कर ली क्योंकि ये सब कलाएं ही भगवान से ही प्रकट होती हैं तो इसलिए भगवान है संसार को दिखाने के लिए कि गुरु के पास जाकर सीखना है भले व्यक्ति कितना भी है वो जानकार हो गुरु से जब वो आशीर्वाद प्राप्त करता है तब वो विद्या सफल होती है तो इस प्रकार से भगवान अपने उदाहरण से ही बात सिखाते हैं फिर भगवान है विद्याभ्यास पूरा होने के बाद है अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए फिर शांतिपुनि मुनि अपनी पत्नी के साथ परामर्श करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारा पुत्र है वो प्रभास गया था और वापस नहीं लौटा तो आप उसको वापस लौटा दीजिए अब चांदी मुनि संसार को दिखाना चाहते हैं कि कृष्णा और बलराम है कोई सामान्य मनुष्य नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति है ऐसा कार्य नहीं कर सकता कि जो पुत्र मारा गया है उसको वापस ला सके तो इसलिए चांदी मुनि ने ऐसी प्रार्थना की उसके पीछे उद्देश्य है कि वो कृष्ण का जो प्रभाव है उनकी शक्ति है उसको संसार को दिखाना चाहते हैं और भगवान कृष्ण है वो भी रथ लेकर कृष्ण और बलराम दोनों हैं वहाँ से प्रयाण करते हैं और प्रभास आते हैं अब प्रभास जब आते हैं समुद्र किनारे पहुँचते हैं तो जैसे भगवान वहाँ पर पहुँचे तो समुद्र देव है वहाँ प्रकट हो जाते हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है और समुद्र देव को भगवान प्रार्थना करते हैं उनको कहते हैं आज्ञा देते हैं कि यहाँ पर हमारा गुरु का पुत्र है स्नान करने आया था और शायद वो आपके समुद्र में ही डूब गया है पानी में ही डूब गया है तो उसको आप वापस लौटा दीजिए तब समुद्रदेव कहते हैं कि मेरे पानी में एक असुर रहता है जो दीति का वंशज है जिसका नाम पंचजन्य है और वो असुर ने ही निश्चित रूप से उसको खा लिया होगा तो भगवान उस पानी में प्रवेश करते हैं अब वो पानी में वो असुर जब दिखाई देता है और भगवान फिर उसके साथ युद्ध करके है, उसको मार देते हैं और उसके पेट में भी उनका पुत्र जो गुरु का पुत्र है वो नहीं मिलता है और फिर भगवान है वो पंचजन्य का जो शरीर था जो शंख से बना हुआ था तो उस शंख को भी साथ में ले लेते हैं जो प्रसिद्ध शंख है पांच जन्य ऋषि के भगवदगी गीता में बताया गया है कि भगवान पांचजन्य नाम का शंख बजाते हैं उस शंख को लेकर कृष्ण और बलराम फिर है यमलोक में जाते हैं क्योंकि कोई भी जीव जब मारा जाता है तब उनके सूक्ष्म शरीर को और आत्मा को यमलोक जाना होता है तो सामान्य कोई मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वो अपने सदेह यमलोक पहुँच जाए तो कृष्णा और बलराम जब संयमनी जो यमराज का लोक है वहाँ पर पहुँचते हैं और वो पांच जन्य शंख बजाते हैं तो यमराज समझ जाते हैं कि प्रभु ही आए हैं और उनका स्वागत करते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और उनको कहते हैं कि भगवान आपने क्यों कष्ट किया यहाँ पर आने के लिए जो भी आज्ञा है आप बताइए क्या मुझे करना है तब है आ, भगवान कहते हैं हमारे गुरु का जो पुत्र था वो समुद्र में स्नान करने गया और पंचजन्य नाम के असुर ने उनको खा लिया था और अभी हमें उनका शरीर वहाँ तो नहीं मिला पर वो निश्चित रूप से आपके पास ही आया होगा तब यमराज ने देखा कि वो वहाँ पर ही है और उसको बुलाकर उनके शरीर के साथ उनका स्थूल शरीर भी प्रदान किया गया और उस गुरुपुत्र को लेकर भगवान हैं अपने गुरु के पास आते हैं चांदी पूर्णिमुनि को उस गुरुपुत्र को अर्पण करते हैं हालांकि उसका शरीर भी नहीं रहा था फिर भी ये भगवान के लिए संभव है कि कोई भी जीव को वापस जीवित भी कर सकते हैं उनको शरीर भी प्रदान कर सकते हैं और शांति पूर्णिमुनि को गुरुपुत्र को अर्पण करके भगवान वापस बोले कि और कुछ आपकी आज्ञा क्या है और आप क्या चाहते हैं गुरु दक्षिणा में तब चांदी पूर्णिमुनि कहा कि आप जैसे अद्भुत जो शिष्य है वो पाकर मैं धन्य हो गया हूँ और मेरा आशीर्वाद है कि आपको हमेशा वेद विद्या हमेशा आपकी स्मृति में बने रहेगी वो कभी आप भी उसकी नहीं होगी तो इस प्रकार से भगवान ने है अपने गुरु को भी संतुष्ट किया और फिर भगवान अपनी विद्या प्राप्त करके है वापस मथुरा लौटते हैं मथुरा लौटते हैं तब मथुरावासी बहुत है आनंदित हो जाते हैं क्योंकि जैसे खोया हुआ धन जब व्यक्ति को मिल जाता है तब उसको हर्ष होता है तो उसी प्रकार से भगवान काफ़ी दिनों के बाद वापस मथुरा लौटे थे तो मथुरा राशियों का जो हर्ष है उसकी कोई सीमा नहीं रही और भगवान वापस मथुरा में निवास करने लगते हैं तो ये जो पूरी घटना है कि जहाँ पर है भगवान कंस के वध के बाद है देव की और वसुदेव को मिलते हैं तो इस घटना में हम देखते हैं कि भगवान हैं अपने भक्तों को विभिन्न प्रकार से उनके साथ व्यवहार करते हैं और पांच जो रस है उसमें एक मुख्य रस है वात्सल्य रस जिसमें जो भक्त है भगवान को अपना पुत्र समझता है वैसे तो हर एक व्यक्ति जानता है ममे वांशो जीव लोक जीव भूत सनातन सभी जो जीव है वो भगवान के अंश हैं उस प्रकार से भगवान सबके परमपिता है और सब जीव उनके पुत्र और पुत्रियां हैं पर प्रभुवाद कहते हैं कि भगवान को जब हम पिता समझते हैं तब हम उनसे आशा करते हैं कि वो हमें कुछ वरदान दे हम उनसे प्रार्थनाएं करते हैं कुछ मांगते हैं पर भक्ति में उससे भी एक और भाव है जिसको कहते हैं वात्सल्य जिसमें भक्त अपने आप को भगवान का पिता या माता समझता है और जब आप भगवान को अपना पुत्र समझते हैं तब पुत्र का जो भी आवश्यकता है उसकी आप चिंता करते हैं जैसे यशोदा मैया देव की मैया तो ये कृष्ण को जब अपना पुत्र समझते हैं तो उनका भोजन उनका रहना खाना सब प्रकार की जो व्यवस्था जैसे माता पिता बालक के लिए करते हैं तो उस प्रकार का उनका हमेशा चिंतन रहता है तो भक्ति जो है वो भगवान और भक्त के बीच का एक संबंध है और वो संबंध है भगवान विभिन्न प्रकार से भक्तों के साथ उसमें व्यवहार करते हैं कोई भक्त है भगवान को अपना स्वामी समझता है तो कोई भक्त है भगवान को अपना मित्र समझता है तो कोई भक्त है भगवान को अपना पुत्र समझते हैं और कोई भक्त भगवान को अपना पति या प्रेमी समझते हैं तो ये सब जो संबंध है वो दिव्य स्तर पर होते हैं संसार में भी इस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं वो वहाँ पर भी हमें कुछ रस का अनुभव होता है पर वो रस है सुख और दुख से मिश्रित होते हैं वो शुद्ध नहीं है वो शुद्ध अवस्था में नहीं है इसलिए ऐसे संबंध स्थायी नहीं है और कष्ट के कारण बनते हैं पर भगवान के साथ जो जीव का संबंध है वो स्थायी है और वो कोई भी प्रकार के कष्ट का आ, कारण नहीं बनता है जन्म के बाद है गोकुल में बसने लगे तब देव की और वसुदेव को 11 साल तक भगवान का विरह सहन करना पड़ा और फिर जब कृष्ण है मथुरा में आ गए तो नंदबाबा और यशोदा मैया को भी जीवन भर कृष्ण का विरह सहन करना पड़ा पर ये विरह में कृष्ण का स्मरण और तीव्र होता है तो ये विरह वास्तव में कृष्ण के साथ कृष्ण और जीव को नज़दीक और लाता है तो वास्तव में वो विरह भी आनंद का ही प्रतीक होता है उसमें और गहन आनंद भक्त अनुभव करता है तो भक्ति में जो भगवान के साथ संबंध है वो दिव्य स्तरों पर होता है उनको कोई सांसारिक संबंधों के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती है तो हम इस लीला में जब देखें कि वसुदेव जी और देव की भगवान कृष्ण को जब पहली बार मिलते हैं तब उनका उनके प्रति जो भाव है ऐश्वर्य का भाव है जहाँ पर है भक्त ने आपको दास समझता है और भगवान को स्वामी समझता है पर भगवान है उससे भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि जब भक्त है भगवान को अपना पुत्र समझता है तो भगवान वो चाहते थे कि देव के और वसुदेव अपना वात्सल्य प्रकट करें और वो तभी संभव हो पाएगा जब वो कृष्ण के ऐश्वर्य को भूल जाएंगे और भगवान ने उस योग माया का प्रयोग किया जिससे वसुदेव जी और देव की हो कृष्ण के ऐश्वर्य को भूल गए और कृष्ण को अपना पुत्र समझने लगे और उनके ऊपर एक पुत्र की भांति माता पिता जैसे पुत्र के ऊपर अपना प्यार लाड़ प्यार है करते हैं तो उसी प्रकार से उनके लाड़ प्यार करने लगे और हालांकि कृष्ण है अभी ग्यारह साल के हो गए फिर भी माता पिता के लिए तो बालक हमेशा बालक ही होता है और ये संबंध है भक्तों का भगवान के साथ नित्य है और यही संबंध है भगवान को सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करता है ये भक्ति है कि जिसके माध्यम से भगवान है सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं इसलिए गीता में भगवान कहते हैं भक्ति माम अभी भक्ति के द्वारा ही मुझे पूर्ण रूप से जाना जा सकता है अनेक प्रकार के आध्यात्मिक मार्ग है पर भक्ति भगवान को पूर्ण रूप से संतुष्ट करती है क्योंकि भक्ति में भगवान और भक्त का जो संबंध है वो घनिष्ठ होता है और प्रेम का आदान प्रदान होता है और हम ये सब कृष्ण की जो लीलाएँ हैं व्रज में मथुरा में वृंदावन में उन लीलाओं में ये भली भांति देख सकते हैं कि कैसे भिन्न भिन्न भिन भक्त भिन हैं कृष्ण के साथ व्यवहार करते हैं और उन लीलाओं के रहस्यों को हम वैष्णवों के द्वारा ही समझ सकते हैं क्योंकि तो वैष्णव भी कृष्ण के साथ उसी प्रकार के व्यवहार में लगा हुआ है उन्हीं तो के माध्यम से हम उन रसों का आस्वादन कर सकते हैं तो हमें भी देव की और वसुदेव का स्थान तो हम नहीं रह सकते हैं पर उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए इन व्रजवासियों की प्रेरणा से ही हम भी कृष्ण के और नजदीक जा सकते हैं और भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं हरे कृष्ण ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767845845